ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा मिसलेनियस का ये जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बट क्या दे रखा है कि ए इनवर्स दे दिया है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स दिया है, मैट्रिक्स बी दे दिया है और पूछा है आपको फाइंड ए बी इनवर्स, है ना, ए बी का इनवर्स निकालो। अच्छा ए बी का इनवर्स है ना, बट ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिवर्सल लॉ है ना, ट्रांसपोज एंड इनवर्स में दोनों में एक रिवर्सल लॉ रहता है बेटे। ए बी का इनवर्स क्या होता है बेटा? बी का इनवर्स इंटू ए का बी इनवर्स, इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बस तो बेटे आपको ए बी का इनवर्स उसने बोला है निकालने के लिए, तो आपको सिंपली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स आपको गिवेन है ना बेटे, ए इनवर्स आपको दे दिया है, राइट? ए इनवर्स आपको दिया है, क्या नहीं दिया है बेटे? बी इनवर्स नहीं दिया है बल्कि उसके जगह बी दिया है ना। तो आपको इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, बी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और बी इनवर्स कैसे निकालोगे? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, खुद से करोगे? एडजॉइंट ऑफ बी निकाल के डिटर्मिनेंट डिवाइड कर खुद से करोगे? अच्छा तो बी इनवर्स निकालने के बाद क्या करोगे बेटे? फाइंड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना? यही आपका आंसर है कि नहीं? कर लोगे इसको? अच्छा कर लोगे कि नहीं करोगे? हेलो बताओ। कर लोगे? यस सर। हाँ देखो ये क्वेश्चन भी कर दिए थे। उसने क्या बोला है कि देखो ये दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं, बोला कि यूजिंग द प्रोडक्ट दिस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, है ना? बट ये क्वेश्चन मैंने कर दिया था आपके लिए, ठीक है ना? ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है, ये कर दिया था, ठीक है? दोबारा देख लो भाई। अरे ये जो सिस्टम है ना बेटे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपको पता है ना कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल एक्स टू इज इक्वल टू बी। करके करते हैं, है ना? फिर देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, फिर उसका इन्वर्स निकालते हैं, फिर एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, फिर आगे चल के हो जाता है। अच्छा इधर बेटा बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके करो। अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स को अगर गौर करके ऑब्जर्व करो, इसका जो पहला मैट्रिक्स हो जरा देखो, वही आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर देखो बेटा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या रहेगा बताओ बेटे? 1 -1 2, 1 -1 2, एक्स का जीरो कोफिशिएंट टू थ्री 0 2 -3 है ना, 0 2 -3, थर्ड में 3 -2 4 है ना बेटे, 3 -2 4। तो जो पहला मैट्रिक्स है ना वही आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है ना, जिसका आगे चल के आपको इन्वर्स यस सर। निकालना है ना, जिसका आगे चल के आपको इन्वर्स निकालना है। तो फिलहाल देखते हैं कि क्यों बोला है कि ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इसको करो। तो पहले तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटे। क्या क्या मैट्रिक्स रखा है? 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 इंटू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। जरा ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है? 3 बाई 3 मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब मल्टीप्लाई करके इसका एलिमेंट निकालना है। फर्स्ट रो आ जाएगा 100 1 0 0 चेको चेक करो सर। बेटे, आगे फाइव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ना, 1 इंटू -2 यस सर। यस सर। प्लस माइनस वन वन जीरो इंटू जीरो नाइन जीरो प्लस वन टू इंटू, जीरो 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 वन है ना? तो बट ये आ जाएगा आपका, देख लो बेटे 1 इंटू -2 कितना? -2, फिर -1 इंटू 9 माइनस कितना? टू -9 माइनस नाइन प्लस 12 +12 कितना जाता है बेटे? इन वन, है ना? वन। ऐसे करके ये वाला खाली चेक कर लो, ये वाला चेक कर लो, ये वाला बेटे, ये वाला फर्स्ट जीरो रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 2 मतलब माइनस माइनस टू टू प्लस टू जीरो। जी। तो ऐसे करके बेटे ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है ना? आप चेक कर सकते हो। एंड दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए और आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इन्वर्सन सिंपल सा बात, ठीक है? अगर बेटे ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आई आ रहा है, तो बेटे दोनों एक दूसरे का क्या है बेटे? इनवर्स है। तो यहाँ पर बेटे ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, क्लियर और नॉट? तो बेटे लेट देयरफॉर, हाँ लिख लेते हैं बेटे, लेट दैट इम्प्लाइज, बेटे थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए बोल देता हूँ,
एंड इसको बी, इसको बेटे थोड़ी देर के लिए बी बोल देता हूँ, इज इक्वल टू बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे पास समझ रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसका मतलब बेटे ए का इन्वर्स क्या होगा बेटे, बी होगा। क्लियर है ना, ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा, है ना। तो इसका मतलब बेटे इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स, है ना। ये मैट्रिक्स का इन्वर्स ये है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है मेरे को। अच्छा तो यस सर। तो बेटे सिंपली ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस बी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अभी आपको सिस्टम देख लो, सिस्टम क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू वन, फिर क्या दिया है, 0 प्लस 2i माइनस 3z, मतलब 2i माइनस 3z इज इक्वल टू वन, फिर 3x माइनस 2i प्लस 4z, 3x माइनस 2i प्लस 4z इज इक्वल टू 2, है ना। ये सिस्टम को आपको सॉल्व करना है। तो पहले बेटे इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, 1 माइनस 1 2 0 टू जीरो टू माइनस थ्री थ्री माइनस 3 3 माइनस 2 4, माइनस टू फोर दिस इनटू बेटे वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई एक्स वाई जेड जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 1 1 2। वन बेटे यही आपका कोफिशियंट मैट्रिक्स है ना, जिसको आप ए बोल रहे थे, और आप आपका इसको यहीं पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर इसको ए ही बोले हो, है ना बेटे। तो इसको मैं ए लिखता हूँ, तो ए इज ए दैट इम्प्लाइज ए इंटू बेटे ये वेरिएबल मैट्रिक्स को एक्स लिखता हूँ। अब बेटे इसको मैं बी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बी ऑलरेडी इसके लिए यूज कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इसके लिए बी यूज कर चुका हूँ, ठीक है ना, इसके लिए ऑलरेडी बी यूज कर चुका हूँ। तो मैं उसके जगह डी लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, डी लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो बेटे एक्स क्या होगा, हमें पता है कि बेटे इसके बाद हम क्या चेक करते हैं बेटे, ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ना। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और हम सीधा लिखते हैं बेटे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पर ए इनवर्स इंटू डी, है ना। अब देखो बेटे आपको ये ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कौन बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हो उसका इनवर्स, बराबर समझ रहे हो, ऑलरेडी उसका इनवर्स निकाल चुके हो। ओके तो सिंपली एक्स क्या होगा बेटे, ए इनवर्स इंटू डी, मेरे बात समझ रहे हो, एंड ऑलरेडी, डाल देंगे। हाँ, और ऑलरेडी आप ए इनवर्स निकाल चुके हो। और क्या, और कौन है बेटे, यही है ना, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 -2 0 1, तो कुछ समझ में आ रहा है, यस सर। माइनस टू जीरो वन 9 2 -3 9 2 -3, फिर 6 1 -2 6 1 -2 6 1 -2, दिस इनटू डी क्या है बेटे, 1 1 2, है ना, 1 1 2। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कौन सा ऑर्डर का आएगा बेटे, 3 बाय 1 ऑर्डर का आएगा ना, 3 बाय 1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स आएगा। हाँ, तो उसका पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तीनों एलिमेंट निकालना है ना। ये वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 मतलब -2, +0 इंटू 1 0, +1 इंटू 2 कितना है बेटे, 0। जीरो अच्छा ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा बेटे, सेकेंड रो फर्स्ट नाइन कॉलम प्लस टू माइनस सिक्स 9 प्लस 2 -6, 9 प्लस 2 कितना होता है बेटे, 11 11 11 -6 5 फाइव है। अच्छा ये वाला बताओ, दिस इंटू दिस, सिक्स प्लस वन माइनस फोर 6 प्लस 1 -4 कितना होगा, 3, है ना। थ्री तो क्या सर, तो थ्री यस बेटे सर। एक्स इज इक्वल टू 0 5 3, एंड एक्स क्या है बेटे, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 3, है ना, क्लियर। एग्जाम्पल 30, ठीक है ना। सवाल देखो बेटे क्या बोला है, कि बोला है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल नंबर्स, ठीक है ना, ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर है एंड अनइक्वल नंबर है ना, तीनों एक दूसरे से अलग है एंड पॉजिटिव है, सो दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। यहाँ पर आपको ये वैल्यू, इसका वैल्यू कुछ, मतलब कुछ प्रूव करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि बोला है कि प्रूव करो कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा,
मतलब समझ रहे हो, अगर ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव एंड अनइक्वल नंबर होंगे, क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा। तो बेटे फिलहाल ये डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट पहले करेंगे ना, कैलकुलेट करके देखेंगे क्या सचमुच ये नेगेटिव आ रहा है वो देखेंगे, क्लियर है ना? नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है प्रूव करेंगे। तो पहले तो ये डिटर्मिनेंट है क्या बेटे बताओ, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अच्छा अब बात आता है, क्या आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करके कर ले? एक्चुअली नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट भी एक्सपैंड करके आप इसको कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर्टी लगा लोगे तो और जल्दी हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है ना? तो देखो यस सर। जब डिटर्मिनेंट ऐसे आपको देता है तो मैं बोला था आपको कि कोशिश करो कि कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम कर सकते हो क्या। तो जरा चेक करो, ये तीनों को ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी आता है, तीनों को ऐड करने से भी ए प्लस बी प्लस सी आता है, तीनों को ऐड करने से भी ए प्लस बी प्लस सी आता है, या फिर ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, भी वही ए प्लस बी प्लस सी आता है ना बेटा? तो मैं लगाता हूँ रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री। आप क्या कर सकते हो भी, कॉलम वन बिकम्स कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री भी कर सकते हैं। तो रो वन के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी ए, सी 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 ए भी ए बी, है ना भाई? अच्छा बेटे फर्स्ट रो से अभी क्या कॉमन जा सकता है, फर्स्ट रो से ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन जाने के बाद बेटे क्या रहेगा डिटरमिनेंट के अंदर, वन 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 बी सी ए सी ए भी बी सी ए सी ए बी। इसके बेटे और सिंपल कर सकते हैं, दोनों वन में से दो, तीनों वन में से दो वन को जीरो बना दिया, है ना बेटे? कॉलम टू बिकम्स कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री बिकम्स कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। एवरीबॉडी गेट इट? तो क्या होगा, ना इज इक्वल टू, अरे समझ रहे हो, यहाँ पर लिखता जगह नहीं होगा, इधर लिखते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट लिखता हूँ, हाँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू। बेटा अभी क्या हो जाएगा एलिमेंट्स, वन पहला कॉलम वन तो वन चेंज, वन बी सी एस सी अभी पहला कॉलम तो चेंज नहीं हुआ है, वन बी सी, वन बी सी। दूसरा कॉलम क्या हुआ है बेटे, कॉलम टू बिकम्स कॉलम जीरो टू माइनस, सी माइनस बी ए माइनस सी हाँ ए वन से वन गया जीरो, सी माइनस बी ए माइनस सी, जीरो सी माइनस बी ए माइनस सी। और ये थर्ड कॉलम क्या होगा, कॉलम थ्री माइनस कॉलम जीरो ए माइनस बी बी माइनस सी जीरो ए माइनस बी, फिर बी बी माइनस माइनस सी बी माइनस, हाँ तो दैट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और बेटा किसके अलग पर एक्सपांड करके जल्दी कर लेंगे बेटे, फर्स्ट रो के अलग पर, है ना? फर्स्ट फास्ट रो के अलग प्लस माइनस प्लस, तो वन इंटू उसका रो कॉलम डिलीट करो बेटा, यू माइनस यू, है ना? तो वन इंटू लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, है ना बेटे? ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, क्लियर है ना? अब इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बेटे ये दोनों को ई पर मल्टीप्लाई करो, और ये सब आगे जो करेंगे कल किए थे ये पहले मल्टीप्लाई करो, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी कितना होगा बेटे, कितना हो जाएगा, सी बी माइनस बी सी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी, यू गेट इट ना? अच्छा यस सर माइनस, बट ये ए सर माइनस बी इंटू ए माइनस सी क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर बताओ, ए का स्क्वायर एक माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी, है ना बेटा? बी प्लस सी बी सी। अच्छा बेटा ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी, सॉरी ए बी बोल दिया, सी बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और बेटा ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी, है ना बेटे? देखो एक बी सी कट जाएगा, है ना, एक बी सी माइनस बी सी कट जाएगा, फिर रहेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू
बेटा देखो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और बेटा देखो, बी सी दो बार होगा ना, एक बार ही, एक बार प्लस, एक बार सर। हाँ ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बराबर समझ रहे हो, देख रहे हो। अच्छा तो बेटा देखो, यहाँ से प्रोसीज्योर कल जैसे किए थे वही, ठीक है ना। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इनमें से माइनस कॉमन ले आओ, पहले तो इन सब में से माइनस कॉमन ले आओ। तो बाहर माइनस ले आओ तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं। यस यस सर। सर। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा चीज बेटे नोटिस करो, जो कि बाद में हम देखेंगे। बेटे ए प्लस बी प्लस सी जो नंबर बाहर में मल्टीप्लाई किए हैं ना, अब सोच रहे हो उसको अंदर लेके सर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो बेटे, उसको अंदर नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ए प्लस बी प्लस एक पॉजिटिव नंबर होगा। कारण क्या है बेटे, कौन बताएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों सर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ए बी सी तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, हमें ऑलरेडी पता है। और ये आगे माइनस लगा है, मतलब ये दोनों मिला के नेगेटिव हो जाते हैं। देखते हैं आगे ये चल, ये क्या होता है उसको देखते हैं। मेरा बात समझ रही हो, क्लियर और नॉट। अच्छा तो बेटे देखो, बिल्कुल यहाँ से हम क्या करेंगे बेटे, कि टू डिवाइड करेंगे, टू मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन के साथ। और एक्सप्रेशन के साथ टू क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, कल करके मैं समझा दिया था, अभी दूसरे दोबारा समझा दूंगा बेटे। एक टू डिवाइड करते हैं, टू मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा बात समझ रहे हो, क्योंकि वैल्यू चेंज हो यस जाएगा सर। ना, वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैं एक्सप्रेशन के साथ बाहर टू डिवाइड किया और इसके साथ पूरा टू मल्टीप्लाई करता हूँ, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर है ना। क्या किया, यस टू डिवाइड किया एंड टू मल्टीप्लाई, तो माइनस वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा बेटे देखो, ये जो टू ए स्क्वायर है उसमें से एक ए स्क्वायर ले रहा हूँ, टू बी स्क्वायर है उसमें से और एक बी स्क्वायर ले रहा हूँ, और उसके साथ माइनस टू ए बी को लगा के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, हाँ प्लस वही टू बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर अब यूज कर चुके हैं और एक बी स्क्वायर बचा है, एंड टू सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर ले रहा हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, है ना। अच्छा प्लस बेटे ये सी टू सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर ले चुके हैं और एक सी स्क्वायर बाकी है, तो दैट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए स्क्वायर से के माइनस स्क्वायर यूज कर यस चुके हो, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी है ना, इतना आया। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या हुआ बेटे देखो, माइनस माइनस 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस इंटू बी ए प्लस माइनस सी होल स्क्वायर इनटू, बेटे ये जो एक्सप्रेशन ए माइनस होल स्क्वायर। हाँ ये जो एक्सप्रेशन आया, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से आता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से आता है सी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी माइनस सी माइनस सी का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा एक बात बता बेटे, उसने बोला है देखो, पहले लिख देते हैं, आज ए बी सी आर पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, है ना। ए बी सी कोई भी मतलब एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, दे आर ऑल अनइक्वल, है ना। ए बी सी आर अनइक्वल टू ईच अदर, क्लियर है ना। अच्छा तो बेटे देखो, अरे समझ में मेरा बात, यस सर। लिखते हैं ए इज, यस इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी इज नॉट इक्वल टू ए, वैसे नहीं ऐसे लिखते हैं। अच्छा तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा बेटे, पॉजिटिव नंबर होगा, यस पॉजिटिव होगा। ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, तीनों को ऐड करने से पॉजिटिव नंबर आएगा। अच्छा एक बात बताओ सर। बेटे, एनीथिंग टू द पावर स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए एंड बी नॉट इक्वल, है ना बेटे। देखो ए भी यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ए माइनस बी भी जीरो नहीं है ना, ए माइनस बी भी जीरो नहीं है। तो बेटे कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव जीरो का स्क्वायर जीरो आता है, और ए माइनस बी एक, ए माइनस बी तो जीरो नहीं है। कोई भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है ना। तो बेटे तीनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से वो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो
तीनों को ऐड करने से क्या होगा, पॉजिटिव, तीनों ऐड कर पॉजिटिव। तो बेटे ये पॉजिटिव एंड ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और आगे माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस वन बाई टू नेगेटिव मल्टीप्लाई, तो पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेरे पास समझ रहे हो? हाँ ओके। तो यस सर। माइनस वन बाई टू इंटू, देयर फोर माइनस वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट, नेगेटिव। मैं हिंट देता हूँ साइड में, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो हो गया ये सवाल प्रूव्ड। तो इसका मतलब वो जो डिटरमिनेंट दिया था उसका वैल्यू नेगेटिव है, क्लियर है ना? बोला था ना कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज नेगेटिव, और वही डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या निकल गया था, ये निकल के आया था ना, ये निकल के आया था, और हमने देख लिया कि ये चीज नेगेटिव है, क्लियर। ओके ओके। अच्छा सवाल देखो, सवाल बोला है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बेटे ऐसे एक सवाल कल किए थे एक्सरसाइज में, यस सर। एक्स क्वेश्चन थे। प्लस हाँ नंबर थे। यस ए बी सी वहां पर, ए पी वहां पर भी ए बी सी ए पी में थे, और पी क्यू ऐसा शायद था या फिर एक्स वाई था, आई डोंट सर नो। एक्स था सर। अच्छा एक्स एक्स प्लस नंबर्स। एक्स प्लस नंबर था। ओके। और यहाँ पर बेटे आपके मतलब वाई एंड नंबर्स है, और ए बी सी जो तीनों दे रखे हैं, बोले कि तीनों नंबर क्या है बेटे, एपी में है ना, एपी में। अच्छा ये सवाल को हम तीन तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको पहले एनसीईआरटी जैसे किया वैसे समझाता हूँ, क्लियर है ना? पहले देखो बेटे एनसीईआरटी कैसे इंप्रेसिव वे में इसको किया है, देखो ध्यान दो। पहला बात है बेटे, आपको डिटर्मिनेंट, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट हम जीरो कब बोल देते हैं, जब उसका कोई एक रो या फिर कोई कॉलम का सारे नंबर जीरो हो जाते हैं, तो डायरेक्ट जीरो बोल देते हैं ना, कैलकुलेट ना करके बोल देते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो भी, मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं ना, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो प्रॉपर्टी लगा के, कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर दो रो या फिर दो कॉलम एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल हो तो भी डिटर्मिनेंट जीरो बोल देते हैं ना, बिना कैलकुलेशन किए। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा एक इंटरेस्टिंग सा बात देखो बेटे, बेटे ये 2 + 4 कितना होता है, जरा देखो 2 + 4 कितना होता है, 6। 6 है ना? अच्छा यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट 3 है ना, उसमें 2 मल्टीप्लाई करो क्या होता है, वही 6 होता है, देख रहे हो बेटे? ये देखो, ये दोनों देखो, यस सर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना, ये दोनों को ऐड करो कितना होता है, ये दोनों को ऐड करने से 6 आता है ना, और 3 के साथ जरा 2 मल्टीप्लाई करो क्या आता है बेटा, वही 6 आता है। अच्छा इन दोनों को भी ऐड करो जरा क्या आता है, इन दोनों को ऐड करो 12 आता है ना। अच्छा बीच में जो है सेंटर ना टू बेटा, 12। बीच में जो 6 है ना बेटा, उसमें भी 2 मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाता है, देख रहे हो? अच्छा 8 एंड 10 को ऐड करो कितना होता है, 18 18, और बीच में जो नंबर 9 है उसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 18 आता है। 18 सबको इतना समझ में आया, इतना यस समझ सर। में यस सर। आया? अच्छा और जो कांस्टेंट है उसके साथ भी वही हो रहा है, जरा चेक करो, जो कांस्टेंट है उसके साथ भी यही हो रहा है बेटे। देखो 4 + 6 कितना होता है बेटे, 10 टेन 10 इज इक्वल टू 5 इनटू 2। इज इक्वल टू 5 × 2, सबको दिख रहा है? अच्छा 7 + 9 कितना होता है बेटे, 16, 8 × 2 तो कितना जैसे होता है बेटे, 16 होता है ना बेटे। अच्छा ये ए बी सी इसका काम बाद में देखें, इसका बाद में देखिए, फिलहाल इतना तो समझ में आ गया ना मेरे बात। तो बेटे एक चीज तो मुझे मालूम चल गया कि मैं अगर यहां पर ये करूं, रो वन बिकम्स रो वन प्लस रो थ्री माइनस टू रो टू, तो बेटे ये एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। चेक करो क्यों, रो जी वन सर। जी प्लस रो थ्री कर रहे हो मतलब ये दोनों को ऐड करोगे, और ऐड करके उससे क्या माइनस करोगे बेटे, 2 रो 2, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, मेरा बस समझ में आ रहा है? तो ये चीज जीरो हो यस जाएगा। और ये मुझे कैसे पता चला, सर। ऑब्जर्व करके पता चला, ऑब्जर्व करके पता चला, दोनों को ऐड करने से 3 का दुगना होता है, इन दोनों को ऐड करने से 6 का दुगना होता है, इन दोनों को ऐड करने से 9 का दुगना होता है ना भाई, ये ऑब्जर्वेशन करके मुझे पता चला। तो अभी बताओ क्या होगा ये डिटर्मिनेंट, हाँ रो 1 + रो 3 - 2 रो 2, ये दोनों को ऐड करो कितना होता है, ये दोनों को ऐड करने से
सिक्स वाई प्लस टेन है ना, सिक्स वाई प्लस टेन माइनस टू रो टू, मतलब टू इंटू थ्री वाई प्लस सिक्स टेन वाई प्लस माइनस, टेन सिक्स वाई प्लस टेन माइनस करो, मेरे पास समझ रहे हो, सिक्स वाई प्लस टेन माइनस करो तो कितना आ जाएगा बेटे, जीरो आ जाएगा, ई हो गया जीरो। ई एलिमेंट भी क्या हो जाएगा बताओ जरा, ई एलिमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके उससे ये माइनस करो, टू इंटू इस माइनस करो, फाइव वाई प्लस सेवन प्लस फाइव वाई प्लस सेवन प्लस सेवन वाई प्लस नाइन मिलकर कितना होगा बेटे, ट्वेल्व वाई प्लस सिक्सटीन है ना, सर। वो फर्स्ट रो टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि ए जीरो। बी सी ए पी में भी हाँ है। क्लियर। अच्छा पहले तो बताओ ये वाला एलिमेंट क्या हो जाता है, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटे, इन दोनों को ए ऐड प्लस सी करो, माइनस टू बी हाँ इन दोनों को ऐड करो और दुगना इसका माइनस करो, मतलब ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा बेटे बताओ, एटीन ए प्लस वाई, सी माइनस टू बी एटीन वाई प्लस ए प्लस सी माइनस टू इंटू दिस, मेरे पास समझ रहे हो, टू इंटू दिस, टू इंटू दिस क्या होगा, एटीन वाई माइनस प्लस टू एटीन वाई बी है ना, माइनस मतलब टू बी माइनस एटीन वाई माइनस टू बी, एवरीबॉडी गॉट इट, तो कितना होता है वाले ये वाला एलिमेंट बेटे, ए प्लस सी माइनस टू बी, अरे सबको समझ में आ रहा है, और बाकी एलिमेंट यस। थ्री वाई प्लस फाइव, सिक्स वाई प्लस एट, नाइन वाई प्लस बी, फोर वाई प्लस सिक्स, सेवन वाई प्लस नाइन, टेन वाई प्लस सी। अच्छा बेटा उसने बोला है कि ए बी सी आर इन एपी, उसने बोला है कि ए बी सी आर इन एपी, और अगर ए बी सी तीनों एपी में हैं तो हमें पता है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, यस राइट, सर। आज ए बी सी इन एपी, तो इसका मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ए प्लस प्लस सी सी हो जाएगा, तो बेटे ए प्लस सी माइनस टू बी क्या हो जाएगा, 0 जीरो हो जाएगा, है ना, मेरे पास समझ लो सब सबके सब, तो इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इज 0। जीरो, जीरो बेटा, ए प्लस सी माइनस टू बी क्या हो जाएगा, जीरो, अरे समझ रहे हो, इन दिस केस तो एक का डिटर्मिनेंट का एक रो के सारे एलिमेंट जीरो है, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, या मैं डायरेक्ट बोल नो दूं सर डिटर्मिनेंट इज इक्वल जीरो। टू जीरो, डायरेक्ट बोल दूंगा, है ना यस बेटे, सर। इज इक्वल टू जीरो, एवरीबॉडी गेट इट। अच्छा यस सर यस तरीका सर। नंबर टू, तरीका नंबर टू, इसका जो दूसरा तरीका है उसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते वक्त हमने किए, इसको वैसे भी अप्रोच कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसे किए, क्या कर सकते हो बेटे, देखो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, सवाल बेटे क्या दे रखा है बताओ, 2 2y+4 टू वाई प्लस फोर, 5y+7 फाइव वाई प्लस सेवन, 8y+8 एट वाई प्लस ए, 3y+5 थ्री वाई प्लस फाइव, 6y+8 सिक्स वाई प्लस एट, 9y+b नाइन वाई प्लस बी, नीचे फोर वाई, फोर 5 प्लस 6 वाई प्लस सिक्स, सेवन वाई प्लस नाइन, प्लस 9 10y+ टेन वाई प्लस सी, ठीक है, ये आपको दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन, सर यहाँ पर अगर हम रो 2 से रो 1 माइनस करें फिर रो 3 से रो 1 माइनस करें तो रो वेरी गुड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2। वेरी गुड वेरी गुड, तो यहाँ पर बेटा आप दो तरह कर सकते हो, एक अगर एनसीईआरटी के प्रोसेस प्रोसेस से जाए तो बेटा रो टू बिकम्स रो टू माइनस रो वन, एंड रो थ्री बिकम्स रो थ्री माइनस रो वन, है ना, लेकिन यहाँ पर रो थ्री माइनस रो टू करने से गलत नहीं है, बस एनसीईआरटी में लिखा है जो यूज हो चुका है उसको यूज मत करो दोबारा, तो यस यूज सर। नहीं करें, लेकिन करने से कोई गलती नहीं, आप कर सकते हो, इनफैक्ट रो थ्री माइनस रो टू यहाँ पर करने से पर्टिकुलर ये सवाल मैं बोलता हूँ जल्दी हो जाएगा, दो रो धड़क से आइडेंटिकल हो जाएंगे, तब कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गेट माई पॉइंट सो फार, हाँ तो रो थ्री माइनस रो टू भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो मैं रो टू भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर और नॉट, यस हाँ सर। तो बेटे टू वाई प्लस फोर, फाइव वाई प्लस सेवन, एट वाई प्लस ए, अच्छा बेटा रो टू से रो वन माइनस करो, थ्री वाई प्लस फाइव से टू वाई प्लस फोर माइनस करो, कितना होगा, वाई प्लस वन है ना, वाई प्लस वन, सिक्स वाई प्लस एट से फाइव वाई वाई प्लस सेवन प्लस माइनस वन करो, वाई प्लस वन, नाइन वाई प्लस बी से एट वाई प्लस ए माइनस करो, कितना होगा, वाई प्लस बी प्लस वी माइनस वाई वन। प्लस बी माइनस ए, अरे समझ रहे हो मेरा बात, यस सर। रो थ्री से रो टू माइनस करो, हेलो एवरीबॉडी गेट, अभी समझ रहे हो ना,
यस सर, हाँ, रो थ्री से रो टू माइनस करो, फोर वाई टू माइनस इंटू सिक्स वाई से, प्लस हाँ, है। फोर वाई माइनस सिक्स, मैं रो थ्री से रो टू माइनस कर रहा हूँ, चलेगा? आप रो थ्री से रो वन माइनस करके भी कर सकते हो, लेकिन रो थ्री से मैं रो टू माइनस कर रहा हूँ क्योंकि अलाउड है, मैं बोला था से अलाउड, यस सर, लेकिन आपका एक जगह पर आगे चल के कन्फ्यूजन हो सकता है इसी वजह से बोले, तो उसके अंदर हम नहीं घुसते हैं अभी के लिए। फिलहाल आपको अभी बोलता हूँ कि आप ये भी कर सकते हो, वहां पर भी बोला था क्लियर और नॉट, तो यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं तो आर थ्री माइनस आर वन भी करो। हाँ, तो माइनस करो बेटा, आर थ्री से आर टू माइनस करो, क्या होगा ये वाई वाई प्लस प्लस वन, वन। अरे सबको समझ में आ वाई रहा है वाई प्लस प्लस वन ये क्या होगा, वन, वाई वाई प्लस थ्री प्लस सी माइनस, माइनस बी। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर, अच्छा बेटे आप देखो, आपका ए बी सी एपी में है, आज ए बी सी एपी, तो बेटे बी माइनस ए क्या होगा, सी सी माइनस माइनस बी बी के साथ है ना, इक्वल सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो बेटे ये जो बी माइनस ए लिखा है एंड ये जो सी माइनस बी लिखा है, दोनों सेम चीजें है ना, दे आर द सेम, तो पूरा बेटे रो टू एंड रो थ्री आइडेंटिकल है, देख पा रहे हो कि नहीं, रो टू है। एंड यस रो थ्री आर आइडेंटिकल, जब किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। अच्छा अगर आप रो थ्री बिकम रो थ्री माइनस रो वन करते हो, पूरा प्रोसीजर से एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर बस आपका आएगा टू आई प्लस टू, सुनो इधर आएगा टू आई प्लस टू, इधर आएगा टू आई प्लस टू, और इधर आएगा टू आई प्लस टू इंटू सी माइनस, सॉरी टू आई प्लस सी माइनस से आएगा है ना, टू आई प्लस सी माइनस से आएगा, क्या आएगा, टू आई प्लस सी माइनस से, गेट इट? अब देखो बेटे, हेलो समझ में आ यस रहा है मेरा बात, सुनो मेरे बात, सर, ए बी सी अगर बेटे एपी में होते हैं तो बेटे बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, सी माइनस बी है ना बेटे, तो बेटे सी इज इक्वल टू टू बी माइनस ए, बराबर समझ रहे हो ना, सी इज इक्वल टू माइनस बी साइड में ले आओ, टू बी माइनस ए है ना, तो अगर आप यहाँ पर रो थ्री माइनस रो वन भी करते तो ये दोनों मतलब इससे ये माइनस करने से क्या आता, यहाँ पर क्या क्रिएट होता ना, टू आई प्लस सी, टू आई प्लस सी माइनस है ना बेटे, टू आई प्लस सी माइनस है, फिर आप वो सी की जगह टू बी माइनस है लिख लोगे, ये ऐसा आता टू आई प्लस सी माइनस है, फिर आप वो सी की जगह क्या लिख लेते, टू बी माइनस है लिख लेते है ना, टू बी माइनस है माइनस है, मतलब टू आई प्लस टू बी माइनस टू ए, अरे समझ रहे हो, तो पूरा टू अगर कॉमन ले आओ तो टू होल इन टू मतलब टू आई प्लस टू इंटू बी माइनस ए, अरे समझ रहे हो, देखो यस इधर वाई प्लस वन यस है, इधर वाई प्लस वन है, इधर आपका क्या आता टू आई प्लस टू आता, मतलब उसका दुगना, इधर वाई प्लस वन, इधर आपका टू आई प्लस टू आता, कितना आता उसका दुगना, इधर ये है, इधर क्या आता बेटे टू आई प्लस टू इंटू बी माइनस है, देखो ना उसका भी दुगना, तो बेटे रो टू रो थ्री प्रोपोर्शनल, तो भी डिटरमिनेंट जीरो, जैसे भी आप कर सकते हो, गिव माई पॉइंट सो फार, समझ पा रहे हो, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया क्या, हेलो, नो सर, अच्छा ठीक है, सवाल देखो बेटे, एग्जाम्पल 34 बोला है कि सो प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस डिटर्मिनेंट, देख रहे हो, ओके अच्छा इसको भी मैं आपको एनसीईआरटी मेथड में समझाऊंगा, और उसके और एक इजी मेथड और एक मेथड भी है, वो मेथड भी देखेंगे, तो फिलहाल एनसीईआरटी मेथड में सेकंड में देखेंगे, अभी पहले हम देख लेते हैं जो जो सबसे इजी मेथड है, जो कि आपको प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर लोगे इसको स्प्लिटिंग करके, बड़े यहाँ पर जो एलएचएस वाला डिटरमिनेंट है अगर उसको ऑब्जर्व करो, उसका फर्स्ट रो का ईच एंड एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, दूसरे रो के भी ईच एंड एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, तो मैं अगर ये डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो के अलग पर स्प्लिट करूं तो कुल मिलाकर चार डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूं, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कर दो है ना, देखो भाई पहला रो का हर एक एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, दूसरा रो का हर एक एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बेटे टोटल हम चार डिफरेंट डिटरमिनेंट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं,
अगर बेटे पहला रो का हर एक पहला रो का ईच एलिमेंट दो दो एमएस स्प्लिट हो, दो 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 नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, और अगर मानो दूसरा रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट तीन तीन नंबर के सम में एक्सप्रेस हुआ है, मेरा बात समझ रहे हो, तो बेटा उसको टोटल आप छह डिफरेंट वे में स्प्लिट कर सकते हो। पढ़ाया था मैंने, हेलो याद है। ओके बेटे, ये डिटरमिनेंट को अगर आप स्प्लिट करो, देखो ए एक्स यू एक होगा, देख रहे हो, ए एक्स यू, सी सी एक्स भी, अरे देख रहे हो, पी पी एक्स डब्ल्यू, क्लियर और नॉट, पी पी एक्स डब्ल्यू, समझ में आ रहा है मेरे बात, एक यस बार, ए एक्स यू सी सी एक्स भी पी पी एक्स डब्ल्यू, एक हुआ प्लस। अब बेटा देखो, ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्ल्यू, ये भी एक होगा, है ना, आप क्या की ए एक्स यू सी सी एक्स भी पी पी एक्स डब्ल्यू, ये किए थे। अब ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्ल्यू भी होगा, मेरे पास समझ रहे होगी, नहीं, ए बी यू यस सर, सी डी भी पी क्यू डब्ल्यू, है ना, पी क्यू डब्ल्यू प्लस। और एक बेटे बी एक्स एक्स यू बी एक्स एक्स यू डी एक्स सी एक्स भी क्यू एक्स पी एक्स डब्ल्यू, मेरे पास समझ रहे होगी, नहीं है, हाँ, यस बी एक्स बी यू सॉरी बी एक्स एक्स, है ना, बी एक्स एक्स इसको लेते हैं ना, बी एक्स एक्स यू डी एक्स सी एक्स भी ऐसे करते हैं, हाँ, तो बी एक्स एक्स यू फिर डी एक्स सी एक्स भी फिर क्यू एक्स पी एक्स डब्ल्यू, है ना, क्यू एक्स पी एक्स डब्ल्यू प्लस। और एक होगा, और एक होगा प्लस, और क्या होगा ना, बी एक्स बी यू डी एक्स डी भी क्यू एक्स क्यू डब्ल्यू, स्प्लिट करना आएगा कि नहीं, कर नहीं आएगा, बी एक्स बी यू फिर डी एक्स डी भी फिर क्यू एक्स क्यू डब्ल्यू, है ना, समझ में आ रहा है ना, क्यू एक्स क्यू डब्ल्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, पता चल रहा है इसका वैल्यू जीरो है, क्यों जीरो बता सकते हो, इसका रो वन एंड रो टू को ऑब्जर्व करो, रो वन एंड रो टू हेलो आर प्रोपोर्शनल, रो वन के एवरी एलिमेंट में एक्स मल्टीप्लाई कर दो रो टू मिल जाता है, देख रहे हो कि नहीं, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो है, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसका भी देखो रो वन एंड रो टू को ऑब्जर्व करो, रो टू के हर एक एलिमेंट में एक्स मल्टीप्लाई करो रो वन मिल जाता है, अरे समझ रहे हो, तो ये दोनों जीरो जीरो हैं, क्लियर और नॉट, ये जीरो प्लस, बस बचे खाली यही दोनों, है ना, यही दोनों, एक है ए सी पी, ये लिख देता हूं, बचे खाली ए सी पी बी डी क्यू फिर यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू प्लस ये वाला डिटरमिनेंट बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स, बी एक्स जगह नहीं हो रहा है तेरी का, इक्वल टू क्या था, क्या था, ए सी पी बी डी क्यू, ए सी पी बी डी क्यू यू भी डब्ल्यू प्लस लास्ट वाला क्या है, सॉरी सर, थर्ड वाला बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स, बी एक्स डी एक्स क्यू एक्स फिर एक्स सी एक्स पी एक्स, एक्स सी एक्स पी एक्स, एक्स सी एक्स पी एक्स फिर यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, क्लियर है नॉट, समझ में आ रहा यस है, सर, अच्छा बेटे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, पहला डिटरमिनेंट दोबारा लिख देते हैं, एस सी पी ए सी पी बी डी क्यू यू भी डब्ल्यू, अच्छा जो दूसरा डिटरमिनेंट है उसका फर्स्ट रो से आप एक्स कॉमन ले सकते हो, सेकेंड रो से भी एक्स, और एक एक्स कॉमन ले सकते हो,
दो एक्स कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, मेरे बात समझ रहे हो। एक्स स्क्वायर इंटू बी डी क्यू ए सी एक्स ए सी पी, अरे समझ रहे हो, यू वी डब्ल्यू। अच्छा आपका आंसर क्या है, देखो बेटे आपका आंसर आया है बेटे 1 - x² इंटू दिस एस सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, है ना, एस सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। तो बेटे आपका ये जो दो डिटर्मिनेंट आया है उनमें से एस सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, है ना, यही आपका आंसर में है ना, एस सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, यही डिटर्मिनेंट का आपका आंसर में है, देख रहे हो, एस सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, ये नहीं है। तो क्या आप किसको क्या क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि इसको इसके तरह दिखा सको, जरा सोचो। खाली रो इंटरचेंज करने से हो जाएगा बड़े, देखो इसका जो सेकेंड रो है वो इसका पहला रो है, देख रहे हो, इसका जो पहला रो है वो इसका सेकेंड रो है, और इसका जो थर्ड रो इसका भी वही थर्ड रो, तो इसका मतलब बेटे ये दोनों रो को अगर इंटरचेंज कर दो तो ये मिल जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरा बात, खाली यस रो सर, रो वन रो टू को यस सर, इंटरचेंज करो एक दूसरे सेम हो जाएंगे। अच्छा तो बेटे हमें ये वाला डिटर्मिनेंट चाहिए, आरएचएस में ये वाला डिटर्मिनेंट है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसको चेंज करते हैं। तो पहले वाले को मैं वैसा रखता हूँ, ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। अच्छा बेटे इसका जो रो रो टू एंड रो वन को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रो वन एंड रो टू को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बेटे दो रो को इंटरचेंज करेंगे या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करने से हमें डिटरमिनेंट का आगे के माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्लियर और ना। तो बेटे एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² इंटू, अरे एवरीबॉडी गेट इट, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, एस सी पी बी बी डी क्यू फिर यू वी डब्ल्यू। अच्छा दोनों में से ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लो, है ना, दोनों में से डिटर्मिनेंट कॉमन ले लो, ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू दोनों में से कॉमन ले लो, ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू कॉमन लेने से दोनों में से क्या रहेगा, फिर इधर क्या रहेगा, 1 - इधर रहेगा x², है ना, क्लियर और नॉट। यस सर, हो गया आपका आरएचएस, सबका आरएचएस दिया था ना, 1 - x² इंटू ए सी पी बी डी क्यू वी डब्ल्यू आ गया। यस सर, ओके बड़ा बहुत समझ में आया कुछ कुछ। यस सर, यस अच्छा सर, ओके देखो बेटे ये इतना लंबा चौड़ा हुआ ना, अब ये बहुत इजीली हो जाएगा, इतना जो लंबा चौड़ा है बहुत इजीली 2-3 स्टेप में होगा। पहले तो मुझे इसका एलएचएस बताओ, एलएचएस क्या दे रखा है बताओ, एलएचएस क्या दे रखा है, एलएचएस हाँ ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, है ना, ए प्लस बी एक्स हाँ सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, फिर नीचे क्या दे रखा है, एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी, हाँ एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, फिर जी, पी एक्स प्लस क्यू, नीचे क्या दे रखा है, यस यू सर, वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। अच्छा बोला कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 - x² इंटू दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अच्छा एक बात जरा सोचो, आप एक काम ऐसे करोगे कि आपका एक रो में 1 - x² फैक्टर पूरा आ जाएगा, पूरा 1 - x² पूरा फैक्टर आ जाएगा, एक आप एक काम आप कर सकते हो, चेक करो बेटे कैसे, रो वन एंड रो टू को जरा ऑब्जर्व करो और ये सोचो कि मैं रो वन से रो 1 - x * रो 2 कर रहा हूँ, मेरे को समझ रहे हो, रो वन से x * रो 2 कर रहा हूँ, क्लियर। तो दिमाग में जरा सोचो कि रो वन के एलिमेंट क्या होंगे, रो वन से रो टू में एक्स मल्टीप्लाई करके रो वन से माइनस करो, इसमें बेटे एक्स मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ये ax² + bx, है ना, और रो वन से माइनस करो, रो वन है a + bx, उससे क्या माइनस करो, ax² + bx, तो मतलब -x² - bx हो जाएगा, तो bx - bx कट गया, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, a - ax², अरे समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, यस सर, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसी तरह c - cx², समझ रहे हो, देखो इसमें एक्स मल्टीप्लाई करके रो वन वाला इससे माइनस करो c - cx², इसमें से एक्स में एक्स मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो, ये वाला क्या हो जाएगा, p - px², एवरीबॉडी गेट इट, और ये वाला एलिमेंट होंगे x + b cx + d px + q u v w, अरे समझ में आ रहा है मेरे को क्या क्या किया,
हेलो ना? यस सर। अच्छा तो देखो, ये जो पहला, ये जो पूरा पहला रो है, उसके हर एक एलिमेंट में से 1 माइनस x² कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये असलियत में है क्या, ए होल इंटू 1 माइनस x², सी होल इंटू 1 माइनस x², पी होल इंटू 1 माइनस x², है ना बेटे? तो 1 माइनस x² अगर हम कॉमन ले जाते हैं तो रहेगा क्या इधर, ए सी पी, है ना, ए सी पी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू। सबको समझ में आ रहा है भली भांति? हेलो। अच्छा देखो, यस सर। हाँ देखो, इसके बाद तो बहुत आसान है। आप एक काम कर लो, इसको स्प्लिट कर लो, ए एक्स यू सी सी एक्स वी पी पी एक्स डब्ल्यू ए बी यू सी डी वी पी क्यू डब्ल्यू, क्योंकि बेटे सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुए हैं ना। तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो ए एक्स यू सी सी एक्स वी पी पी एक्स डब्ल्यू डिटर्मिनेंट प्लस ए सी पी बी डी क्यू, समझ रहे हो, यू वी डब्ल्यू। बताओ बेटे, जो पहला डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा इसका वैल्यू? क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड रो प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो, फर्स्ट रो में एक्स मल्टीप्लाई सेकंड रो मिल जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या, 1 माइनस x² इंटू दिस, यू गॉट इट, लिख देता हूँ, सर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है, बस।